नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑटोमोटिव सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं शंकर। तो आज का जो कंसर्न है वो है पावर स्टीयरिंग हार्ड का, और मेरे पास जो गाड़ी है वो रेनो का क्यूड गाड़ी है, देख सकते हो। और गाड़ी मेरा स्टार्ट अभी, और गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग हार्ड का प्रॉब्लम है। अभी इंडिकेशन दिखा देता हूँ, पावर स्टीयरिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, पावर स्टीयरिंग का लाइट भी इंडिकेट हो रहा है, आप देख सकते हो। ये कस्टमर का कंसर्न है, और पावर स्टीयरिंग बिल्कुल हार्ड हो रहा है। गाड़ी भी 21,160 किलोमीटर चली है। तो इस कंसर्न को समझेंगे और इसका प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करेंगे। तो क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसको क्लियर करते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, वो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं इसका, और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है। तो आज विदाउट स्कैनर करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरे पास प्रॉब्लम है उसी को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले अगर पावर स्टीयरिंग का लाइट आ रहा है तो कैसे इसका डायग्नोस करते हैं वो चीज़ देखेंगे। तो डायग्नोस करेंगे सबसे पहले। तो डायग्नोस करने के लिए फिर भी मेरे को पावर स्टीयरिंग का तो डायग्राम चाहिए होगा। तो कौन सी लोकेशन पे फ्यूज़ है, कौन सी के ऊपर मेरा पावर आ रहा है, कौन सी पे ग्राउंड आ रहा है, कौन सी पे सिग्नल आ रहा है, वो सारी चीज़ ट्रेस करने के लिए डायग्राम ज़रूरी है। तो इंडिकेशन आ रहा है तो पहले आज टूल नहीं लगाएंगे, विदाउट टूल आपको करके दिखाएंगे। तो स्कैन टूल नहीं लगाऊंगा मैं आज, और विदाउट स्कैनर मैं आपको इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूंगा। क्यों, कई बार बार आउट गैरेज के अंदर प्रॉब्लम वो रहता है कि स्कैनर नहीं रहता है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज़ को, उसके चीज़ के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो आज विदाउट स्कैनर चेक करते हैं और कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। तो पावर स्टीयरिंग हार्ड का कंसर्न तो आपको समझ ही आ गया। तो मैं सबसे पहले जो इस बेस के ऊपर जो चेक लाइट आ रही है इसके अकॉर्डिंग ही काम करूँगा। तो पावर स्टीयरिंग का लाइट आ रहा था, सबसे पहले पावर स्टीयरिंग का मैं डायग्राम निकाल लेता हूँ, और डायग्राम भी मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है ताकि ज़्यादा समय लंबा वीडियो ना हो, तो अपना काम जल्दी ईजी हो। तो ये डायग्राम निकाल लिया है मैंने क्यूड का, आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा दूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ क्लियरली थोड़ा सा क्या है क्या नहीं है। तो ये 260 नंबर पे 5 एम्पीयर का F29 के अंदर मेरा फ्यूज है, पेर कंपार्टमेंट के अंदर है। और ये मेरा F5 है जो मेरा 80 एम्पीयर का फ्यूज है, 777 नंबर की लोकेशन के ऊपर। तो ये दोनों तो मेरे फ्यूज हो चुके हैं, और ये 225 मेरा जो है वो कंप्यूटर है मेरा, उसके अंदर कनेक्टर जा रहा है। 1232 मेरा कंप्यूटर है उसके अंदर जा रहा है, ये 225 के अंदर मोटर के अंदर। तो ये डायग्नोस सॉकेट के अंदर, सॉरी, जो 225 है मेरा डायग्नोस सॉकेट है, और 1232 है जो मेरा कंप्यूटर है, पावर स्टीयरिंग कंप्यूटर, आप देख सकते हो। और ये मेरा ग्राउंड है। तो F5 के अंदर जो 80 एम्पीयर का फ्यूज़ है, इंजन कंपार्टमेंट के अंदर है ये, और इसका जो ये पावर सप्लाई आ रहा है ये सीधा मोटर पर आ रहा है, एक पावर मोटर पर आ रहा है और दूसरा बॉडी से ग्राउंड हो रहा है। तो ये मेरा सर्किट हो गया। और दूसरा F5 एम्पीयर का फ्यूज़ है F29 के अंदर। तो 260 नंबर का जो इधर फ्यूज़ है, 5 एम्पीयर का फ्यूज, ये सीधा पावर सप्लाई दे रहा है, पावर स्ट्रिंग से होता हुआ सीधा कंप्यूटर को दे रहा है, फ्यूज़ से होता हुआ पावर सप्लाई एक नंबर के पिन नंबर एक पे। और ये दूसरा, दोनों मेरा जो कैन कम्युनिकेशन की लाइन है 6 और 14, आप देख सकते हो, ये कैन कम्युनिकेशन का लाइन है मेरा, ये सीधा जा रहा है मेरा मोटर को जो कि 2 नंबर और 8 नंबर पर है, 2 नंबर और 3 नंबर पे, सॉरी। तो ये मेरा कंप्लीट डायग्राम रहेगा जो मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। तो जब भी आपके पास गाड़ी आए, 1.0 आप देख सकते हो पेट्रोल इंजन है मेरा, ऐसे 1 इसका मतलब जो गियर बॉक्स है उसका है, और पावर स्टीयरिंग का ये कंप्लीट डायग्राम है जो कि मैंने निकाल लिया। तो सबसे पहले फ्यूज़ को ट्रेस करते हैं और कौन सी लोकेशन पर वो देखते हैं। तो सबसे पहले बाहर वाला फ्यूज़ देखेंगे जो कि इंजन कंपार्टमेंट के अंदर है, जो कि F5 के अंदर 80 एम्पीयर का फ्यूज़ है, इसको ट्रेस करते हैं। तो बाहर चलते हैं एक बार, फ्यूज बॉक्स ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद में जो मेरा फ्यूज का जो लोकेशन है आप देख सकते हो, 80 एम्पीयर का F5 के अंदर जो फ्यूज है, F5 के अंदर ये वाला मेरा पावर स्टीयरिंग का फ्यूज है, इसको एक बार ओपन करेंगे और देखते हैं इसका कि ये सही है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट है, यानी ये बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बर्न नहीं है, कोई उड़ावा नहीं है। तो इसको वापस से लगा देते हैं। यहाँ पर पावर सप्लाई भी आप चेक कर सकते हो आ रहा कि नहीं आ रहा, तो फ्यूज से भी चेक कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है। तो थर्ड सेकंड ऑप्शन है जो मेरा अंदर F5 के अंदर, F29 के अंदर जो 5 एम्पीयर का फ्यूज है उसको चेक करते हैं। तो इसको कर देते हैं बंद और चलते हैं पैसेंजर कंपार्टमेंट के फ्यूज बॉक्स के ऊपर। तो मैंने पैसेंजर कंपार्टमेंट का जो मेरा फ्यूज बॉक्स है ये ग्लोव बॉक्स के अंदर रहेगा,
और ग्लो बॉक्स के अंदर आप देखोगे तो ये पूरा फ्यूज बॉक्स असेंबली मैंने बाहर निकाल रखी है। इसके अंदर फोर्थ नंबर पे है, 1 2 3 फोर्थ नंबर का ये जो मेरा 5 एम्पीयर का फ्यूज है, मैं आपको कंप्यूटर में दिखा नहीं पाया लोकेशन जो भी मैंने देख ली है, तो ये मेरा 5 एम्पीयर का फ्यूज है। इसको भी ट्रेस करेंगे और निकाल के देखेंगे कि ये फ्यूज एफ जो एफ फाइव है मेरा, आपको वापस अगेन दिखा देता हूँ। ये वाला जो मेरा एफ फाइव है, एफ 29 के अंदर 5 एम्पीयर का फ्यूज है, ये वाला ही फ्यूज है मेरा। ये बार वाला मैंने 8 एम्पीयर वाला चेक कर लिया है जो कि एल इन गुड है। तो एफ फाइव के अंदर जो मेरा ई 29 के अंदर 5 एम्पीयर का जो फ्यूज है, इसको बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि इसका क्या कंडीशन है। तो निकालते हैं बाहर और देखेंगे कि ये फ्यूज सही है या ख़राब है। तो इसको निकाल लेते हैं और चेक करते हैं इस फ्यूज का क्या कंडीशन है। जहाँ तक मेरे को दिख रहा है ये बिल्कुल ओके है, तो इसको भी वापस से फिक्स कर देते हैं और देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो इसको वापस फिक्स करते हैं। तो ये मैंने फ्यूज लगा दिया है, तो इसका मतलब मेरा जितना भी फ्यूज है वो प्रॉपर ओके है। तो अपन चेक करते हैं क्या कंडीशन है। तो दोनों फ्यूज मैंने जो देखे हैं वो निकाल के चेक किया है, वो दोनों इज़ ओके हैं, 5 एम्पीयर का फ्यूज़ और 80 एम्पीयर का फ्यूज़, लेकिन फिर भी पावर स्ट्रिंग हार्ड है। तो इसको चेक करते हैं अगेन एक बार कि निकाल के लगाने से कई बार सही हो जाता है अगर लूज कनेक्शन हो तो। गाड़ी को वापस से चेक करना है आपको और देखना है कि प्रॉब्लम है या नहीं है। तो आप देख सकते हो बीप साउंड करके एक साउंड आया है और मेरा ये लाइट आ चुका है अगेन और पावर स्ट्रिंग हार्ड है और गाड़ी आप देख सकते हो स्टार्ट है मेरा, मैं एक्सीलरेशन कर रहा हूँ, प्रॉब्लम मिटा नहीं है। तो अब इसको चेक करने के लिए मेरे को जो डायग्राम निकाला है उसके अकॉर्डिंग मेरे को ये निकालना पड़ेगा और निकाल के इसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करते ही यहाँ पर दो स्क्रू है, एक ही साइड है, तो निकालते हैं और देखते हैं पावर सप्लाई की आ रहा कि नहीं आ रहा। तो चेक करते हैं, तो रिमूव करते हैं स्क्रू को, तो बाहर निकालेंगे स्क्रू को, निकल चुका है। तो राइट साइड का भी निकालेंगे, ओपन करते हैं स्क्रू को, निकालते हैं स्क्रू को, एक नीचे भी स्क्रू है इसको भी ओपन करेंगे। तीनों स्क्रू निकाल लिया है मैंने, ये मेरे को निकालना पड़ेगा। कवर निकालते हैं, नीचे वाला कवर निकालते हैं, चाबी निकालना पड़ेगा, कंप्लीट कवर निकालते हैं। और आप देख सकते हो इधर से नहीं दिख पाएगा आपको, इधर से ओपन हो चुका है, इधर से देख सकते हो आपको वो जो मेरा लगा हुआ है वो पावर स्ट्रिंग कंप्यूटर, इसके सारे कनेक्शन रिमूव करते हैं, निकालते हैं। 12200 ये 1232 जो मेरा कंप्यूटर है देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर पावर सप्लाई करेंगे जो कि मेरा 80 एम्पीयर फ्यूज से, एक और दो नंबर पिन पे चेक करेंगे, 80 एम्पीयर से पावर आ रहा है और एक ग्राउंड हो रहा है। तो ये मैंने कनेक्टर निकाल दिया, आप देख सकते हो इधर से देखो जी, कनेक्टर निकाल दिया और पावर सप्लाई चेक कर रहा हूँ मैं, तो प्रॉपर पावर सप्लाई मिल रहा है मेरे को। अगेन दिखा देता हूँ, वायर निकल गया मेरा, लगा दिया है मैंने वायर, आप देख सकते हो इधर पावर सप्लाई देख सकते हो, प्रॉपर पावर सप्लाई आ रहा है। इसका मतलब जो मेरा मेन कनेक्टर है जहाँ पावर सप्लाई इनपुट होना चाहिए, वहाँ पर प्रॉपर पावर सप्लाई आ रहा है। तो नेक्स्ट अपन चेक करेंगे, कनेक्टर का भी दिखा देता हूँ इधर से आपको, कौन सा कनेक्टर निकालना है। जो नीचे वाला लास्ट का जो कनेक्टर है वो निकालना है, पर ये ब्लू कलर वाला नहीं निकालना है, ये मोटर का कनेक्टर है, ये इनपुट है। तो अपन को सेकंड वाला जो कनेक्टर है वो निकालना है, कौन सा निकालना है, जिसमें आउटपुट की जो 3 वायर हैं वो वाला निकालना है, जिसमें 3 वायर हो, आप देख सकते हो। तो 2 केन कम्युनिकेशन के हैं और एक पावर सप्लाई का है, तो उस कनेक्टर को निकाल के इस पर पावर सोर्स को चेक करेंगे कि आ रहा है नहीं आ रहा। अगर पावर सोर्स प्रॉपर आ रहा है तो मेरा प्रॉब्लम कंप्यूटर का है, अगर पावर सोर्स पूरा नहीं आ रहा है तो मेरा जो फॉल्ट है वो सीधा फ्यूज का या फिर पावर ग्राउंड की जो लाइन है उसका फॉल्ट है। तो चेक करते हैं और निकालते हैं। तो इसमें लोकेशन दिखा देता हूँ मैं, बिना खोले मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो सबसे फर्स्ट में ऊपर है येलो कलर का जो वायर है दिख रहा है आपको यहाँ से, ऊपर ऊपर का जो 3 वायर दिख रहे हैं उस कनेक्टर को रिमूव करते हैं। तो कपलर बाहर निकाल लिया है मैंने, आप देख सकते हो जो कपलर है 1232 जो कंप्यूटर है मेरा, कंप्यूटर का जो कनेक्टर है उसका कनेक्टर है। तो अपन चेक करेंगे सबसे पहले जो मेरा ये 5 एम्पीयर का जो फ्यूज है F29 के अंदर, इस पर पावर सप्लाई चेक करेंगे जो कि ये मेरा वाला कनेक्टर है। इस पर वायर देख सकते हो 3 कलर के वायर हैं, येलो है, ग्रीन है, एक ब्राउन में ब्लू दारी है। तो ये 3 वायर है, तो सबसे पहले जो येलो है मेरा एक नंबर का, आप देख सकते हो ये वाला येलो वायर है जो कि फ्यूज से आ रहा है। तो इसकी पावर सप्लाई चेक करेंगे, तो एक ऑलरेडी लगा रखा है मैंने और दूसरा लगाते हैं ग्राउंड।
तो आप देख सकते हो ये ग्राउंड लगा दिया मैंने, तो प्रॉपर सप्लाई आ रहा है आप देख सकते हो। तो आफ्टर इग्निशन पे आना चाहिए, क्योंकि मैंने इग्निशन ऑन कर रखा है, आप देख सकते हो, मीटर भी देख सकते हो, मीटर दिखा देता हूँ आपको, इग्निशन ऑन है। और इधर ग्राउंड करेंगे, कोई सा भी एक ग्राउंड लगा दो, यह लगा दे, पावर सप्लाई आना चाहिए। तो इसका मतलब है मेरा कि जो पावर सोर्स आ रहा है आफ्टर इग्निशन से 5 एम्पियर फ्यूज़ से, ये मेरा 5 एम्पियर फ्यूज़ से, ये बिल्कुल ओके है। अब मेरे को 6 और 14 नंबर की जो पिन है मेरी, इस पर कैन कम्युनिकेशन के वायर चेक करने हैं। तो कनेक्शन लगाते हैं और चेक करते हैं इन दोनों वायरों पर। पिन लगा दिया है मैंने, एक ग्राउंड कर दिया है, आप देख सकते हो 2.35 आ चुका है, मतलब मेरा जो कैन कम्युनिकेशन का जो लो है, कैन लाइन है, लो कैन लो है, तो प्रॉपर से आ रहा है सप्लाई, मतलब इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो दूसरा वायर लगाते हैं कैन हाई वाला और चेक करते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है। इसका ये वायर भी मेरा ओके है, पावर सोर्स आ रहा है जो कैन कम्युनिकेशन से आना चाहिए, तो डीएलसी कपलर से आ रहा है 6 और 14 नंबर की पिन से। तो उसको चेक करते हैं। नेक्स्ट वायर, सेकंड वायर मैंने लगा दिया है पिन नंबर 2 पे, इधर ग्राउंड कर दिया है, आप देख सकते हो 269, यानी जो कैन हाई है वो भी मेरा पावर सप्लाई प्रॉपर से आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा पावर सोर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी मेरा पावर सप्लाई ओके है। तो मेरा जो आफ्टर इग्निशन से आना चाहिए 80 एम्पीयर के फ्यूज़ से, वहाँ पर पूरे 12 वोल्टेज मिल रहे हैं। और 6 और 14 नंबर पे जो मेरा कैन लो एंड हाई के जो वायर है, वह मेरा ये 6 और 14 जो पिन नंबर है, इस पर बढ़िया वोल्टेज आ रहे हैं, ढाई वोल्टेज, और ढाई से थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए लो और हाई के अंदर। तो यानी इधर से मेरा पावर सप्लाई का सोर्स यहाँ तक के कनेक्टर तक प्रॉपर आ रहा है, और इधर से जो मेरा ये जो 80 एम्पीयर का फ्यूज़ है, यहाँ पर और यहाँ पर ग्राउंड करते ही प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है, जो कि पावर स्ट्रिंग कंप्यूटर के इनपुट सिग्नल में आना चाहिए। यानी मेरा पावर सोर्स से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर अब जो प्रॉब्लम है वो पावर स्ट्रिंग कंप्यूटर ख़राब है, तो ऐसा डायग्नोज कर सकते हो आप। अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो आपको थोड़ा डायग्राम तो निकालना पड़ेगा, लेकिन आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो मेरा इस केस के अंदर जो मेरे को मिला है वो पॉजिटिव कंप्यूटर फॉल्टी मिला है। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और आप ऐसे डायग्नोज कर सकते हो, विदाउट पार्ट लगा के भी कर सकते हो, इसीलिए मैंने इस वीडियो बनाया इस पर कि पार्ट शॉप करके दुनिया बनाती है, लेकिन आज कंप्यूटर के जरिए और इसके मल्टीमीटर के जरिए आपको वोल्टेज वगैरह चेक करवा के आइडेंटिफाई कर सकते हो आप कि फॉल्ट कहाँ पर है। और फाइनली फॉल्ट जो मिला है मेरा, वो पावर स्ट्रिंग कंप्यूटर का है। वो इधर से देख सकते हो जो मेरा लगा हुआ है वो कंप्यूटर मोटर के पास में, जो ये कनेक्टर लगे हुए हैं, ये वाला फॉल्टी है। तो थैंक यू, ऐसे नहीं वीडियो ला सकूँ। फाइनली मेरे को पावर स्ट्रिंग कंप्यूटर का अप्रूवल आ चुका है, और मैंने ये मेरा ओल्ड कंप्यूटर है, मैंने रिमूव कर लिया है, तो ये वाली प्लेट भी इसमें लगाएंगे। और ये मेरा न्यू पार्ट है, आप देख सकते हो, सेम पार्ट नंबर का है, मंडो कॉरपोरेशन का, ये जो कंपनी है इसका मंडो बनाती है। और प्राइस की बात करें तो ये मेरा प्राइस है 6411 रुपये का। तो ये पार्ट रिप्लेस करके फिर देखेंगे वीडियो के अंदर कि मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये मेरा ओल्ड कंप्यूटर है, तो रिप्लेस करते हैं पार्ट को और कंफर्मेशन करते हैं, जो कि मैंने कंफर्मेशन तो पहले भी कर दिया था, लेकिन पार्ट लगा के रिप्लेस करके आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा। फाइनली मैंने कंप्यूटर लगा दिया, आप देख सकते हो, अगर इधर से मैं लेट के दिखाऊं आपको, आप देख सकते हो ये मेरा कंप्यूटर है जो मैंने लगा दिया, बिल्कुल न्यू लगाया है, देख सकते हो, लेट की वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो इधर से भी देख सकते हो आप। तो रिप्लेस कर दिया है, ये मेरा ओल्ड पार्ट है, और देखते हैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ या नहीं हुआ। अब देख सकते हो लाइट चला गया है, और स्टीयरिंग भी सॉर्ट कर चुका है, फाइनली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है, आप देख सकते हो, पावर स्ट्रिंग का लाइट भी जा चुका है। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक यू।